हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट सेशन में हम लोगों ने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में फंक्शनल पोजीशन आइसोमेरिज्म तक पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम लोग इसके फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंक्शनल आइसोमर की डेफिनेशन लिखिए आप लोग। थर्ड पॉइंट है फंक्शनल आइसोमर। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखिए। आइसोमर्स और कंपाउंड से स्टार्ट करते हैं। कंपाउंड्स विच हैव सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला, सेम मॉलिकुलर फॉर्मूला मॉलिकुलर फॉर्मूला, तो मॉलिकुलर फॉर्मूला सेम हो गया तो कंपाउंड हो गए आइसोमर्स। बट हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, उनमें फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होने चाहिए। ये ध्यान रखिएगा, यहां फंक्शनल ग्रुप का मतलब है कि फंक्शनल ग्रुप मतलब जो रिएक्शंस की शो करते हैं, जो फंक्शन शो करते हैं। हमें यहां चेन और पोजीशन से कोई मतलब नहीं है। जहां या एक और चीज मैं यहां कहूंगा कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर में हम लोगों ने फंक्शन ग्रुप माने थे, एक लिस्ट बना दी थी कि हाँ ये फंक्शन ग्रुप है, इसके अलावा हो तो सब्स्टिट्यूएंट मान लीजिए। यहां ऐसा नहीं है। यहां फंक्शनल ग्रुप का आइसोमर का मतलब है जिनके फंक्शंस डिफरेंट होते हैं, जिनकी केमिकल रिएक्शन डिफरेंट होती है। तो लिस्ट में बताऊंगा किस तरीके से वो लिए गए हैं। तो ऐसे कंपाउंड होने चाहिए जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो। अच्छा, इसमें एक और खास बात यह है कि हम लोग यहाँ चेन की साइज या पोजिशन आइसोमेरिज्म को कंसिडर नहीं करते हैं। तो आप लिख लीजिए, नोट डाल के, डू नॉट कंसिडर, डू नॉट कंसिडर पोजिशन आइसोमेरिज्म ठीक है, पोजिशन को भी कंसिडर नहीं करोगे, एंड साइज ऑफ चेन, साइज ऑफ चेन, चेन की साइज को भी आपको कंसिडर नहीं करना है। चाहे चेन मेन चेन हो चाहे साइड चेन हो, अगर चेन की साइज छोटी बड़ी हो तो और पोजीशन किसी के डिफरेंट हो तो भी फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होगा तो आप उसे फंक्शन आइसोमर कहोगे। इन दोनों को कंसिडर आप नहीं करोगे। जैसे एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल्स में अच्छा किन्हें किन्हें फंक्शन ग्रुप माना गया है उन्हें समझना। ए ऑप्शन में लिया है मैंने एल्कीन, एल्काइन्स एंड साइक्लो एल्किन्स, साइक्लो एल्किन्स। ध्यान से देखिए, साइक्लो एल्किन में भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है। हाँ, एल्कीन में भी 1 है, एल्काइन में 2 है, लेकिन अगर ये फॉर्मूला सेम हो, जैसे डाइईन और एल्काइन का सेम हो सकता है। एग्जाम्पल देखो, सिंपल से एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। यह है एक एल्कीन, यह है एक एल्केन, एल्काइन यहां नहीं हो सकता। इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है। अगर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 होगा तो जनरल फॉर्मूला सेम होगा। हाइड्रोकार्बन है, दोनों कार्बन दोनों में सेम है तो यह आइसोमर हो गए। एक्चुअली इसमें हाइड्रोजन काउंट करने के लिए डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की बात की जाती है। कार्बन तो हम बहुत इजीली काउंट कर लेते हैं, स्टूडेंट्स हाइड्रोजन काउंट करने के चक्कर में पड़ जाते हैं तो उससे टाइम वेस्ट होता है। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन बहुत इजीली काउंट किया जा सकता है, उससे आप हाइड्रोजन से अलग से काउंट करने की जरूरत नहीं है, उसके बेसिस पर ही हो जाएगा। तो ये दोनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर हैं। यहां मैंने लिखा हुआ है कि एल्कीन और साइक्लो एल्केन फंक्शन आइसोमर है। फंक्शन आइसोमर क्यों है? ये एल्कीन्स के फंक्शन शो करता है, ये नहीं करता है, फंक्शंस डिफरेंट हो गए। ठीक है, ऐसा का ऐसे एक और एग्जाम्पल ले रहा हूं, यहां लिख लेता हूं। एग्जाम्पल नंबर 2, ये है डाइईन,
और ये है एक एल्काइन, एल्काइन लीनियर होता है, उसे मैं जिगजैग बना तो देता हूं कई बार, लेकिन एक्चुअल स्ट्रक्चर तो इस तरह से लीनियर स्ट्रक्चर है। ये एल्कीन है और ये एल्काइन है, दोनों में डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन सेम है और दोनों ही आइसोमर हैं, तो एल्कीन एल्काइन को फंक्शन आइसोमर्स कहा जाता है। क्लियर है? तो इनकी इनके फंक्शंस कुछ ना कुछ डिफरेंट आते हैं। नेक्स्ट लेते हैं, इसके बाद में ये लिख लीजिए आप लोग, फंक्शन आइसोमर में और कौन कौन से हैं जो डिफरेंट फंक्शन ऑफ शो कर सकते हैं, जिन्हें शो डिफरेंट फंक्शन ऑफ माना जाता है। बी पार्ट है प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अमीन्स। प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्शरी अमीन अगर आइसोमर हैं तो उन्हें फंक्शनल आइसोमर माना जाता है, क्योंकि वो डिफरेंट फंक्शन शो करती हैं। प्राइमरी अमीन आइसोसाइनाइड टेस्ट देती हैं, सेकेंडरी अमीन नहीं देती। ठीक है, ऐसे बहुत से रिएक्शन जो सेकेंडरी अमीन देती है, टर्शरी अमीन नहीं देते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोगों ने फंक्शन आइसोमर कहा है। जैसे कि ये एग्जांपल ले लेते हैं, डिसिंपल सा एग्जांपल है, ये आप खुद बताएं कि ये किस तरह की अमीन है। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है और ये टर्शरी अमीन है। आपको याद हो तो अमीन हम लोग में नाइट्रोजन कितने कार्बन से बॉन्डेड है, इसके बेसिस पर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था। तो टर्शरी, प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है, तो ये दोनों, ये तीनों एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर सी कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, चेन की साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे एक और एग्जांपल डाल देता हूं यहां पर, मैंने अभी वो भी बताया था कि चेन आइसोमर्स या पोजीशन आइसोमर को कंसीडर नहीं करना है। जैसे ये वाला कंपाउंड है, यहां NH2 है, ठीक है, इसकी मेन चेन तो 5 कार्बन की है और यहां मैंने इस तरह से चेंज कर दिया, तो आप मेन चेन की साइज इसमें 5 कार्बन की थी, इसमें मेन चेन तो 3 कार्बन की रह गई। तो आप ये नहीं देखें कि मेन चेन डिफरेंट हो गई तो ये चेन आइसोमर है, नहीं, ये प्राइमरी अमीन है, ये सेकेंडरी अमीन है, आइसोमर दोनों है, तो ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। क्लियर है? तो फंक्शन आइसोमर में पोजीशन चेंज हो या ना हो, चेन की साइज चेंज हो या ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, डिफरेंट फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शनल आइसोमर ही कहलाएंगे। नेक्स्ट, जैसे प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी अमीन है, वैसे ही प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी अमाइड भी है, ये भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर ही कहे जाते हैं। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेता हूं, ये प्राइमरी अमाइड है, ये सेकेंडरी अमाइड है, कार्बन इसमें भी 4 है, और ये एक टर्शरी अमाइड है, कार्बन 4 है, एक ऑक्सीजन है, एक नाइट्रोजन है, सभी अमाइड्स हैं, तो इन्हें भी फंक्शनल आइसोमर्स ही कहा जाता है। ठीक है, ये फंक्शनल आइसोमर्स है। नेक्स्ट कैटेगरी है, आपको ये लर्न करना है कि ये होते हैं, ध्यान रखना है, प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन, ये फंक्शन आइसोमर होते हैं, इन्हें याद रखना है, और एग्जांपल्स आगे करोगे तो समझ में आ जाएंगे। डी पॉइंट लेता हूं, एल्कोहल्स, ईथर एंड फिनॉल्स। एल्कोहल, ईथर एंड फिनॉल भी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर कहे जाते हैं। अब आप कहेंगे कि एल्कोहल में भी OH ग्रुप होता है, फिनॉल में भी OH ग्रुप होता है, तो फंक्शनल आइसोमर कैसे हुए? हाँ, फंक्शनल आइसोमर ही होंगे क्योंकि इनकी फंक्शंस डिफरेंट होती है। फिनॉल कुछ ऐसे स्पेसिफिक रिएक्शन शो करता है जो एल्कोहल शो नहीं कर सकता,
और अल्कोहल किसी तरह की ल्यूकास रीजन टेस्ट देते हैं, वो फिनॉल नहीं दे सकता, क्लियर है? तो इनके फंक्शन डिफरेंट होते हैं। अल्कोहल किस तरह के ग्रुप्स को अल्कोहल कहा जाता है? अल्कोहल ग्रुप वो है व्हेन ओएच ग्रुप, व्हेन ओएच ग्रुप इज बॉन्डेड विद sp3 कार्बन, सैचुरेटेड कार्बन से अगर OH ग्रुप बॉन्डेड है तो वो अल्कोहल कहलाता है। और फिनोलिक ग्रुप कब कहलाते हैं? व्हेन OH ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड विद एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली अगर बॉन्डेड है तो वो फिनोलिक ग्रुप्स कहलाते हैं। ठीक है, एग्जांपल लेता हूं, ये अल्कोहल है और ये कोई एक ईथर मैंने लिया है, यहां पर दोनों में कार्बन इक्वल है, ये अल्कोहल की रिएक्शन शो करेगा, ये ईथर की रिएक्शन शो करेगा, इसलिए इन्हें फंक्शन आइसोमर कहा गया है। ये वाले एग्जांपल पहचानो, ये एक फिनॉल है, क्रिसोल नेम बताया था, ऑर्थो क्रिसोल इसे कहा जाता है, ये है ऑर्थो क्रिसोल, ऑर्थो क्रिसोल, ठीक है। और ये एग्जांपल मैंने लिया है, इसमें आप बताइए किस तरह का फंक्शन ग्रुप है, फिनॉल और अल्कोहल, अल्कोहल क्योंकि OH इसमें sp3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये एक अल्कोहलिक ग्रुप है, ये एक फिनॉलिक ग्रुप था, ये एक फिनॉलिक ग्रुप है। और मैंने ये एग्जांपल ईथर का लिया है, आप ध्यान से देखें इन तीनों एग्जांपल्स में कार्बन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो ये तीनों ही एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। आप यहां लिखिए, दीज ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। जैसे एक और एग्जांपल यहां लेता हूं, यहां OH अटैच है इस पोजीशन पर, अब OH को मैंने यहां रिंग पर अटैच कर दिया, इस जगह ले गया किसी रिंग, इस रिंग पर कहीं पर भी लगा दिया मैंने, देखने में लगता है कि तो पोजीशन चेंज हुई है, बट पोजीशन कंसीडर नहीं करते हैं। जब फंक्शन ग्रुप डिफरेंट होता है, ये sp3 कार्बन से जुड़ा है तो ये अल्कोहल है और ये फिनॉल है, तो जब फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है तो उन्हें फंक्शनल आइसोमर ही कहा जाएगा, ठीक है। जैसे ये एक और एग्जांपल लेता हूं कि मेन चेन की साइज डिफरेंट कर देंगे हम लोग, ये लीजिए यहां OH है इस जगह और मैंने OH यहां लगा दिया, यहां इथाइल है, यहां मिथाइल है, ध्यान से देखना कार्बन इक्वल है, ऑक्सीजन है, लेकिन ये अल्कोहल है और ये फिनॉलिक ग्रुप है, कार्बन सेम थे, साइड चेन में 3 कार्बन है, यहां भी टोटल 3 कार्बन है, लेकिन साइड चेन की पोजीशन, साइड चेन की साइज कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसे पोजीशन आइसोमर ना कह के फंक्शनल आइसोमर कहा जाएगा। आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। ऐसे और कौन से आइसोमर है, यहां तक नोट कर लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट ई पार्ट लेता हूं मैं, एल्डिहाइड, कीटोन, और इसके अलावा भी बहुत कुछ हो सकते हैं। एल्डिहाइड में देखो सी डबल बॉन्ड ओ होता है, तो एक डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मानते हुए मैं एग्जांपल करूंगा, ऑक्सीजन भी होता है तो ऐसे ही कीटोन में भी होता है, तो ऐसे और कौन से कंपाउंड्स हैं जिनमें ऑक्सीजन भी हो और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन 1 हो, जैसे हाइड्रोक्सी ग्रुप हो और एल्कीन हो, तो स्ट्रक्चर होना चाहिए वो एल्कीन एल्कीनॉल, एक कोई एल्कीन
ऑल उसकी बात करें उसमें भी जनरल फॉर्मूला सेम ही होगा। अगर मैं ऐसा कंपाउंड लूं जिसमें OH भी हो और एल्कीन भी हो, मीन्स एल्कोक्सी एल्कोक्सी एल्कीन, और भी हो सकते हैं। देखो एग्जाम्पल लेके बताता हूं, एक कंपाउंड है 3 कार्बन वाला जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये है, ठीक है। आप देखो इसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1 है, C3H6 है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 1, तो अगर 1 होगा तो एल्डिहाइड, मैं एग्जांपल एल्डिहाइड कीटोन के लेना चाहता हूं, तो ये एक एग्जांपल बना इस तरह का जो कि एक एल्डिहाइड है। मुझे लिखना नहीं है नेम, आप लोगों को पता है कि नहीं, ये एक कीटोन है, ठीक है। ये एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें डबल बॉन्ड भी है। आप याद कीजिए डबल बॉन्ड पर OH ग्रुप नहीं लगाना है हमें, क्योंकि अगर डबल बॉन्ड से OH ग्रुप बॉन्डेड है तो जनरली वो अनस्टेबल होता है, तो उनकी बात नहीं करूं। और वैसे भी मैं आप लोगों को केवल एग्जांपल लेके समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन ग्रुप कब कहे जाएंगे, फंक्शन इसमें है ये। और ऐसा करते हैं कि अब यहां डबल बॉन्ड पर OCH3 ग्रुप लगा देते हैं, हैं? डबल बॉन्ड पर OCH3 ग्रुप लगा दिया। एक साइक्लिक कंपाउंड लेता हूं, ये भी साइक्लिक कंपाउंड है। आप ध्यान से देखें, और भी इसकी स्ट्रक्चर्स बन सकती है पर मैंने इतने ही स्ट्रक्चर बनाई है। आप ध्यान से देखें इसमें सभी में एक ऑक्सीजन है, एक डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है और 3 कार्बन से, हाइड्रोजन तो सेम हो ही जाएंगे अपने आप ही। तो ऐसी सिचुएशन में एक जगह भी आप मुझे बताएं कि सारे के सारे फंक्शन ग्रुप सेम हो, जैसे इसमें और इसमें बात करें तो एल्डिहाइड है या एल्डिहाइड नहीं है, ये एल्डिहाइड और कीटोन है, एल्डिहाइड कीटोन को भी फंक्शन इसमें माना जाता है, कीटोन और एल्कोहल, इनमें भी एल्कोहल है इसमें भी एल्कोहल है, तो डिफरेंस है एल्कीन का, इसमें एल्कीन डबल बॉन्ड नहीं है, इसमें एल्कीन डबल बॉन्ड है। तो ये तीनों, ये 6 स्ट्रक्चर हैं, ये सभी के सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स हैं, ठीक है, ये सभी एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। एक और एग्जांपल ले लेता हूं इस वीडियो में, यहां एल्डिहाइड है और ये कीटोन है, ये भी कंपाउंड एक देख लीजिए इसे, और भी बन सकते हैं, जैसे मैंने बना के दे दिया ये कंपाउंड, ईथर लगाना है इसमें मुझे, तो यहां ऑक्सीजन लगा लेता हूं और ये डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, और भी बन सकते हैं, लेकिन इन कंपाउंड्स को आप देखो ध्यान से, सभी में कार्बन है 6 7 8 9 10, 10 कार्बन है, ध्यान से देख लीजिए सभी में कार्बन 10 है, इसमें नहीं है, इसमें कार्बन 10 नहीं है, इसमें तो एक कार्बन मुझे बढ़ाना पड़ेगा, ये लीजिए ठीक है, इसमें भी 10 कार्बन थे, इसमें भी कार्बन 10 है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 4 5 6 डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन है, इसमें भी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 6 है, देखो एक तीन तो ये पाई बॉन्ड, चौथा पाई बॉन्ड ये रहा, दो रिंग, इसमें भी 3 पाई बॉन्ड है, चौथा पाई बॉन्ड ये रहा और दो रिंग, और इसमें भी 3 पाई बॉन्ड, ये चौथा पाई बॉन्ड और दो रिंग, सभी में सेम कंडीशन, ठीक है, ऑक्सीजन भी सभी में है, लेकिन फंक्शन ग्रुप सारे के सारे फंक्शन ग्रुप सेम नहीं है, इसलिए ये सभी के सभी दीज ऑल आर फंक्शनल आइसोमर्स ऑफ ईच अदर, क्लियर। नेक्स्ट पोर्शन इसी के अंदर और भी एग्जांपल्स हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। ओके थैंक यू।